आज इस वीडियो में उन लोगों की बात करेंगे जो YouTube पर चैनल बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो भाई आज की स्टेट में अगर देखा जाए तो YouTube पर अगर हमें चैनल बनाना है तो कुछ ना कुछ खर्चा तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के दौर में। अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बन जाएगा। तो भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम बजट, और अगर हम उसके अलावा भी अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमने आज की स्टेट में अपना एक शानदार वीडियो बनाना है और अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपके पास बहुत पैसा है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप लाखों रुपये का कैमरा भी लें, और अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा पैसा है तो आप अपना स्टूडियो भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और कम से कम बजट में वो अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपके पास पहले से मौजूद होगा एक अदद मोबाइल, मोबाइल की ज़रूरत आपको लाजमी पड़ेगी क्योंकि मोबाइल से ही हम अपना वीडियो बना सकते हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, अपना थंबनेल बना सकते हैं, सारा काम हम मोबाइल के ज़रिए से कर सकते हैं। तो भाई मोबाइल तो पहले से हर बंदे के पास हो रहा, अब आप तो उसमें देखना है कि उसका फ्रंट कैमरा अच्छा चल रहा है या उसका बैक कैमरा अच्छा चल रहा है। तो भाई ज़्यादातर मोबाइल में बैक कैमरा सबसे अच्छा काम करता है, तो ज़्यादातर मोबाइल के बैक कैमरा हाई रेजोल्यूशन होते हैं और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका मोबाइल जो है अच्छा कैमरा वाला नहीं है तो आप किसी मोबाइल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर आप ओपन कैमरा एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें आपको क्या होता है, एक्सटर्नल माइक की भी सपोर्ट मिल जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके कैमरे से मोबाइल से अपना वीडियो शूट करना है। अब आपके पास सवाल आएगा कि भाई हम मोबाइल रखे कहाँ पर, अब शूट करें तो कहीं रखना है ना। तो भाई मैं क्या करती थी शुरू में, किसी सोफे पर लगा देती थी मोबाइल, या किसी तकिए पर रख देती थी मोबाइल, या हाथ में पकड़ के सेल्फी मोड से कैमरे से मोबाइल से वीडियो बना लेती थी। तो आपके पास अगर थोड़ा सा बजट है तो आपने क्या करना है, अब जो है आपने ट्राइपॉड ले लेना है। ट्राइपॉड क्या है आपको मैं बता दूं, अच्छा ट्राइपॉड तो आपको 6-7 हज़ार का मिलता है, सही है, अच्छे से अच्छा 10 हज़ार का भी मिलता है, 12 हज़ार का मिलता है, वो तो जितना आप हाई क्वालिटी पे जाते हैं। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मेरे सारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, मैंने ट्राइपॉड भी ख़रीदा, बहुत सारे माइक भी ख़रीदे, तो मैं आपको हर चीज़ का बता रही हूँ। अब अगर आपने होलसेल में लेना है ट्राइपॉड, और सस्ते से सस्ता लेना, और एक अच्छा ट्राइपॉड लेना है जो आपकी हाइट के मुताबिक हो, यदि वो छोटा बड़ा, अगर आप खड़े उठे वीडियो बना रहे हैं तो पूरा आपकी हाइट के मुताबिक आ जाए, आप अगर बैठ के वीडियो बना रहे तो वो छोटा हो जाए, तो भाई आपके पास एक अच्छे से अच्छा ट्राइपॉड जो है ना वो 1200 में आ जाएगा, जिससे आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। 1000 से 1200 में आपका ट्राइपॉड आ जाएगा अगर आप होलसेल बाज़ार से लेते हैं। तो उसके बाद जब आपने ट्राइपॉड ले लिया, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें नॉइस तो नहीं आ रही, आप जब वीडियो बनाते हैं तो अगर उसमें शोर आएगा या उसमें एको आएगा, तो आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगाकर वीडियो सुनते हैं। अब हेडफोन में जब शोर आएगा, नॉइज़ आएगी, एको आएगा ना, तो फिर बहुत मसला होगा। तो आपने ये करना है, ये बोया बाय M1 का एक छोटा सा माइक होता है, ये आपने ले लेना है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसकी तार बहुत लंबी है, बहुत दूर तक चली जाती है, और हर बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी, हर बंदे ने इसी से शुरुआत की है। ये बोया बाय M1 का माइक है, इस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो भी बनाई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और मैंने ये बहुत सारे माइक ख़रीदे हैं भाई, अगर मैं घर के पास वाली दुकान से लूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है, लेकिन अगर मैं वही माइक होलसेल में जाकर लूँ तो ये माइक हद से हद भी, मैं आपको बता दूँ, कराची सदर मार्केट से होलसेल बाज़ार से 1000 रुपये का भी मिल जाता है, 1000 रुपये से कम पैसों में भी कोई ना कोई दे देता है, 800-700 में भी दे देता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1000 रुपये का मिल जाता है कम से कम। हम अब क्या हो गया, आपके 1200 रुपये हो गए ट्राइपॉड के, और आपके हो गए 1000 रुपये माइक के। अब आपने मोबाइल का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास पहले से होगा ना, तो हम पहला खर्चा कंसीडर कर रहे हैं ट्राइपॉड का। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर आप ट्राइपॉड नहीं लेना चाहते तो आप ट्राइपॉड मत लीजिए, लेकिन आपने माइक ज़रूर परचेस करना है, क्योंकि ट्राइपॉड से तो फिर भी काम चल जाएगा, हम कहीं भी मोबाइल रख देंगे, किसी को पकड़ा देंगे या ख़ुद पकड़ के वीडियो बना लेंगे, लेकिन जब अगर हमारे पास माइक नहीं होगा ना तो माइक के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। जब हमारी आवाज़ ख़राब होगी तो ऑडियंस तक हमारी आवाज़ सही नहीं जाएगी, उससे क्या होगा कि ऑडियंस हमारी वीडियो देखेगी नहीं, इसलिए आपने माइक का खर्चा तो लाजमी से लाजमी करना है। अब बात करते हैं लाइटिंग की, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप लाइटिंग ख़रीद सकते हैं। अब लाइटिंग क्या है, छोटी से छोटी लाइट भी बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है, मैंने खुद जाके पता किया है।
अब आप लाइट के लिए बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आप सन लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप छत पर कोई कोना पकड़ के वीडियो बना सकते हैं, या आप विंडो के पास वीडियो बना सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सन लाइट आ रही हो ना, आप उसमें वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि सन लाइट से बेस्ट लाइट और कोई नहीं हो सकती और हर यूट्यूबर इसी से शुरुआत करता है। तो भाई सन लाइट से शुरुआत करें और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी आती है और आप इसी से वीडियो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगले स्टेप में क्या होता है, आपको बैकग्राउंड देखना होता है। आपने कोई सी भी साफ़ सुथरी दीवार लेनी है जिसपे अच्छा सा कोई कलर हुआ हो, ठीक है। आपके घर में अगर कोई दीवार है तो ठीक है, यानी आप किसी सोफे पे बैठकर वीडियो बना सकते हैं जहाँ साफ़ सुथरा बैकग्राउंड हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं है और आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई थी कि भाई A4 साइज़ के मैंने कलर पेपर लिए थे, तो 500 रुपये में मेरी पूरी दीवार भर गई थी। मतलब मैंने 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24 A4 साइज़ के पेपर मैंने लगाए थे, जिसपे मैंने मोटिवेशनल कोट लिखे थे और कलर पेपर मैंने लगाए थे 500 में। आप चाहें तो आप विदाउट कलर भी लगा सकते हैं। तो 500 रुपये में मेरा एक बैकग्राउंड अच्छा सा तैयार हो गया था, जिसमें मेरे टोटल 24 पेजेस लगे थे और मैंने दीवार पे चिपका के अपना एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया था। ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगी। तो आप अगर चाहें तो 500 रुपये का ये बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप अपनी किसी दीवार को पकड़ सकते हैं। अब मैं आपको ग्रीन स्क्रीन का मशवरा क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन में क्या होता है, जब हमारे पास अच्छी लाइटिंग नहीं होती ना, तो ना उसमें एक जर्क आ रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया है। हरे कलर का पर्दा होता है, कपड़ा होता है, कुरुमा की भी उसको बोलते हैं, तो उसको लगाकर भी आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन उसमें जर्क आता है, लाइटिंग अच्छी नहीं होती, तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता। इसलिए आप कोई सा अच्छा बैकग्राउंड बना लें, या फिर आप 500 रुपये का खर्चा करके इस तरह से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो भाई ये टोटल चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब चैनल बनाने में चाहिए होती हैं। एक अच्छा वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगी, यानी 1000 रुपये का माइक हो गया, 1200 रुपये का हम ट्राइपॉड मान लेते हैं और 500 का हम बैकग्राउंड मान लेते हैं, मैं आपका पूरा यूट्यूब चैनल तैयार हो गया। और लाइटिंग का क्या है, लाइटिंग तो आपने सनलाइट यूज़ करनी है। तो भाई यही टोटल चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब बनाने में, चैनल बनाने में चाहिए होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।